गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ वी स्टार्ट चैप्टर क्लास 12 अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के रिटायरमेंट का हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, पढ़ाई करनी है कि रिटायरमेंट कैसे होगा पार्टनर्स का, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसके पहले हम लोग ने सबसे पहला रेशियो पढ़ रखा था, रेशियो कर लिया है। सेकेंड हम लोग इस समय गुडविल कर रहे थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स के रिटायरमेंट के केस में गुडविल की वैल्यू क्या होगी, ये काम हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, इसी काम को हम लोग को यहाँ पे ही करना है। तो देखेंगे जो गुडविल का है, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ फिर और आगे आप लोग को। एक क्वेश्चन मेरी बुक में है, कर मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी बुक में आप क्वेश्चन डिफरेंस होंगे आपकी बुक से, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को मैच करके करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अपने बुक से कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बुक में होगा, जो भी नंबर होगा वहाँ पे आप लोग लिख देंगे इसको। तो है पी क्यू आर एन एस वेयर द पार्टनर अंडर द शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:2। पी क्यू आर एस आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5:2 है। एस रिटायर करता है, एस रिटायर, हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसके शेयर को कौन लेता है, क्यू और आर 3:2 के रेशियो में। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, हमको यहाँ पे न्यू रेशियो बताना है और गेनिंग रेशियो बतानी है। तो देखिए कैसे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो और निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन डाउट था एक दो स्टूडेंट का, तो इसको कर लेते हैं। देखिए आपकी Q, R and S हो जाएगा 2:3:5:5:10:12 ये हो जाएगा 3:12:5:12 और 2:12। हम लोगों को क्वेश्चन में बताया है कि S रिटायर कर जाता है, इसका शेयर 2:12 हो गया। इस 2:12 के शेयर को Q और R अक्वायर करते हैं, केवल इन दोनों को मिलेगा, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो 2:12 का 3:5 इसको मिलेगा और 2:12 का 2:5 इसको मिलेगा। तो ये इन दोनों लोग के लिए रेशियो यहाँ पे मिलेगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3:12 + 3:2 = 6/5 = 16। एलसीएम हो गया 16, 12 × 5 = 65, 3 × 15 प्लस 6 ये हो गया 21/16। इसको सॉल्व करेंगे 5/12 + 4, 2×4 = 12, 5×16 देन एलसीएम 16, 12×5 = 65, 5×25 प्लस 4 ये हो गया 29/16। फिर उसके बाद से इसका तो शेयर वही है, लेकिन क्या करना है, इसके बेस में 60 है, इसके बेस में 60 है, तो इसके भी बेस में हमको 60 बनाना होगा। तो हो जाएगा ये कितना 4/60। तो हमारे यहाँ पे न्यू रेशियो जो बन के आएगा, वो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 4:21:29, 4:21:29। सॉरी 2:5 = 10, यानी 10:21:29 ये हो गया। उसके बाद से हम लोग को अब गुडविल वाले क्वेश्चन करने थे, तो गुडविल वाले क्वेश्चन में देखेंगे, हम लोग ने आपको क्वेश्चन करवाया था एल एम एन वाला, अब एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं, अशोक रमेश और मुकेश का क्वेश्चन ये करवाया था, एक 15 नंबर क्वेश्चन मेरे बुक में है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, 15 नंबर मेरे यहाँ क्वेश्चन है मेरी बुक में, गुडविल का क्वेश्चन, ये डाउट था इसलिए मैंने बता दिया इसको। अब यहाँ से हम लोग को करना था क्या, अशोक राकेश एंड मुकेश आर पार्टनर।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 अशोक राकेश एंड मुकेश आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 इन लोग का रेशियो है 2:2:1 कहते थे गुडविल वाज वैल्यूड 3 लाख। मैंने बताया था दो चीज ध्यान देंगे, एक बार फिर से हमने गुडविल के बारे में आपको समझाया था कि गुडविल इस जो रिटायरमेंट चैप्टर इसमें दो तरीके से दिख सकती है। एक तो होगा अपियरिंग गुडविल, अपियर गुडविल, और दूसरा गुडविल होगा वैल्यूड गुडविल, ठीक है ना। एक अपियर गुडविल और दूसरा वैल्यूड गुडविल। मैंने बताया था अगर अपियर गुडविल की बात करेगा तो हम लोग इसको रिटेन ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो, और अगर गुडविल वैल्यूड होती है तो इसके लिए हम लोग टेबल एडजस्टमेंट करते हैं। तो टेबल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं देखेंगे आगे। हम लोग इसको करते हैं अशोक राकेश और मुकेश पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:1 है और गुडविल यहाँ पर वैल्यूड दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 3 लाख रुपीज का, 3 लाख की गुडविल वैल्यू दिया। वी डू नो अकाउंट फॉर द बुक्स द डेट ऑफ द राकेश रिटायर्ड द जनरल एंट्री रिकॉर्ड इन द गुडविल। कहता है कि हमको एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो देखेंगे अशोक राकेश एंड मुकेश एंड टोटल कॉलम बन गया। हम जानते हैं कैसा टेबल एडजस्टमेंट से कैसे ट्रीटमेंट कर पाते हैं। एक बार हम लोग क्रेडिट करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में सबको क्रेडिट कर देते हैं 2:2:1 और रिटायर कौन करता है बिगनिंग नो अकाउंट इन द बुक्स इज राकेश रिटायर। राकेश यहाँ से रिटायर कर जाता है तो आप बताइएगा रेशियो कितना हो जाएगा अशोक और मुकेश का 2:1, क्या रेशियो हो जाएगा 2:1। तो ये न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में हमने क्रेडिट करेंगे किसको, 3 लाख को 2:4:15 से डिवाइड होगा 3 लाख तो 60,000 इंटू 1,20,000 एंड 60,000 इंटू 160,000 ये टोटल हो गया 3 लाख। अब हमको इसको न्यू रेशियो में डेबिट करना होगा जो कि न्यू रेशियो निकल के आया है कितना 2:1। किसको कौन रिटायर कर रहा है, ए और एम को, यानी आर रिटायर कर चला रहा है राकेश रिटायर कर रहा है तो 2:1 में 3 लाख को बांटेंगे तो 3 लाख को बांटने के लिए बताएगा 3 लाख में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 लाख और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 लाख और ये हो गया 3 लाख। फिर क्या करना होगा, 2 लाख में से 120 जाएगा तो 80,000 बचेगा जो कि यहाँ पे डेबिट बड़ा है तो यहाँ डेबिट लिख देंगे, 1,20,000 यहाँ पर क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देंगे और यहाँ पे 40,000 डिफरेंस होगा लेकिन बड़ा क्या है डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख देंगे यहाँ पे नील। आप एंट्री कर सकते हैं क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज मैंने अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू महेश कैपिटल एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 80,000 40,000 टू राकेश कैपिटल आर्ट्स कैपिटल अकाउंट कितना पैसा 1,20,000, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है एक और, इसके बाद क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉफिट हमको गुडविल हमको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन, कई डाउट तो होगा नहीं शायद, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं यहाँ पे, देखेंगे आप ये हटा देते हैं, आप लोग फोटो ले लीजिए इसका, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीन शॉट ले करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, क्वेश्चन है ए बी सी डी आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:4:3:1 जिसमें ए बी सी डी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:4:3:1। यहाँ पे सी रिटायर करता है, सी रिटायर करता है
एंड फॉर द पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट द 2 ईयर परचेस. गुडविल इज वैल्यूड, जो गुडविल है वैल्यूड हुआ है वो कितनी गुडविल वैल्यूड हुई है, 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज. यानी गुडविल हमको यहां पे वैल्यू करना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर, ठीक है ना. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर विच एज अंडर, ठीक है, विच एज अंडर क्वेश्चन दिलाएगा अपने बुक से, आप लोग अपने बुक से लिखिएगा. फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिए दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 का. सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 10,000 का, लेकिन ये लॉस है. सेकेंड ईयर में क्या है, लॉस है. थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 1,00,000 का, और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 1,50,000 का. उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिंगल हर 15, यानी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 56,000 का. नॉर्मल प्रॉफिट 56,000 का. रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, यानी यहां पे रिटायर कौन करता है, सी रिटायर करता है, उसके रिटायरमेंट में हमको गुडविल पे देना है. तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम तो क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम लोग यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, तो देखेंगे कैसे गुडविल. तो हम फार्मूला जानते हैं एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे सबसे पहली बात नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, तो यानी ये बता रहा है कि हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है. अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला यूज करेंगे. तो देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फार्मूला होता है, गुडविल का जो फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दे रखा है, गिवन है, हमें रख दिया, लेकिन क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं पता है. अगर ये पता होता तो गुडविल की वैल्यू आ जाती, लेकिन हम लोग यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं. तो हम जानते हैं सुपर प्रॉफिट का फार्मूला कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यही फार्मूला होता है. नॉर्मल प्रॉफिट यही फार्मूला होता है. अब फिर बात यहाँ पे ये फंसती है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में हमको दिया है क्या नहीं दिया है. फिर जब हम यहाँ आते हैं तो फर्स्ट ये जाते हैं कि हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में 56,000 दे रखा है. अगर क्वेश्चन में हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाए तो सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा, और सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा तो गुडविल पता चल जाएगी. तो हम लोग क्या निकालें, एवरेज प्रॉफिट निकालें, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या होता है, टोटल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. तो आप बताएंगे टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 40,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस है, प्लस 1,00,000 का प्रॉफिट है, और फिर प्लस 1,50,000 का प्रॉफिट है, हम डिवाइड कर देंगे 4 ईयर से. इसको टोटल जब हम सम करेंगे, टोटल हम लोग एवरेज प्रॉफिट जब इसका निकाल रहे हैं तो ये मेरे पास आ जा रहा है कितना, 2,80,000 आएगा ये, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 70,000 आ जाएगा. कितना आएगा, 70,000 आ जा रहा है. क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट. अब हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो अगर इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे रख दिया जाए, मतलब 70,000 को, तो यहाँ माइनस करेंगे दोनों में, तो 56,000, 70,000 माइनस 56,000, 70,000 माइनस 56,000, द आंसर विल बिकम 14,000. और इस 14,000 को अगर इस जगह पे रख दिया जाए तो
तो हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 28,000। हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 28,000। कोई समस्या नहीं होगा किसी को? नहीं, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। फिर हम लोग को क्या करना है इस 28,000 में, अब हम लोग को टेबल एडजस्टमेंट कर देना है। तो देखिए कितने पार्टनर हैं, ए बी सी डी, टोटल वैल्यू गुडविल है ना, इसे टेबल एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू गुडविल का टेबल एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमारे पास जो गुडविल है वो 28,000 का है। गुडविल कितनी टोटल है, 28,000। सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्रेडिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 2:4:3:1 यानी ये टोटल 4:6:3:9:10 यानी 28,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2800 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 5600 4 11,200 3 8400 और 1 2800 ये हो जाएगा 20 यानी इसको हमने बांट दिया इस रेशियो में तो ये आ गया। अब हम लोग को डेबिट करना है किस रेशियो में, न्यू रेशियो में ना। तो बताएगा न्यू रेशियो के बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जब सी रिटायर करेगा तो इसके शेयर को हटा देंगे तो बचेगा क्या, ए बी डी का रेशियो 2:4:1 किसका, ए बी डी का 2:4:1 यही रेशियो बचेगा, 3 हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2:4:1 सी रिटायर करता है, कर दीजिए। टोटल गुडविल को कितने को डेबिट करना है, 28,000 को, 28,000 को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 4,000 आएगा, यह जाएगा 8,000, 16,000 और 4,000। इसको सॉल्व करेंगे नील हो जाएगा, फिर आ जाएगा मतलब 4,000 - 2800 तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, 1200। ये हो गया 8400। बताएगा कौन सा बड़ा है, डेबिट ना, तो यहाँ पर डेबिट लिख दीजिए, जिसमें क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट लिख दीजिए। फिर आ जाएगा 16,000 - 11,200 या जाएगा 4800। तो ध्यान दीजिए इसमें बड़ा कौन सा है, डेबिट वाला, तो यहाँ डेबिट लिख दीजिए। फिर 8,000 - 5600 आंसर विल बी 2400। तो कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है। अब हम लोग इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, तो एंट्री के लिए थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए तो मैं यहाँ पे इरेज कर सकता हूँ। आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, रोक करके वीडियो को आप रोक दीजिए, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, देख लीजिए आप। अब क्या होगा, हम लोग एंट्री कर सकते हैं क्या चेंज, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सा डेबिट है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का है 2400, बी का 4800 और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि 1200 है टू सी कैपिटल अकाउंट जो वैल्यू है 8400 का। सबसे आसान सा ये मेथड है और सबसे आसानी से ये क्वेश्चंस लग भी जाते हैं, जो कि हम इतना इजीली इस क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चंस हम लोग के पास। फिर उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने एक क्वेश्चन और करवाया था आपको, इसके पहले 3 क्वेश्चन दिया था, फिर इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे दिया ए बी सी डी आर द पार्टनर इन अ फर्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:1 करते हैं, पर इस पर हटाते हैं क्वेश्चन को, आप लोग लिख लीजिएगा, छाप लीजिए इसको, सबसे पहले वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में है ए बी सी डी आर द पार्टनर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1, यहाँ पे चार पार्टनर आ गए ए बी सी डी, जिनका रेशियो है 2:2:1:1, ठीक है, ये चार पार्टनर हो गए। फिर कहता है ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ए एंड सी रिटायर करते हैं, दो फर्म दो पार्टनर्स फर्म से रिटायर करते हैं, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, जो गुडविल दिया है वो वैल्यूड गुडविल दिया है जो कि 90,000 दे रखता है, जो कि 90,000 दे रखता है। बी एंड डी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3, यानी बी और डी का जो फ्यूचर प्रॉफिट जो न्यू रेशियो होगा वो 5:3 होगा। तो बस अब देखिए यहाँ पर हमने इस मेथड को क्यों बताया है, ऐसा टेबल बनाया। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोर्ड का नोटिफिकेशन भेज दूंगा, कुछ टीचर्स इस पर व्यू देते हैं अपना कि ये जो मेथड है वो वैलिड नहीं है, ये कैसे। पिछली बार जब बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था तो उस बोर्ड के एग्जामिनेशन में बोर्ड ने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, क्योंकि इसी क्वेश्चन पर एक विवाद हो गया था, एक केस हो गया था, उसी केस के ऊपर जो CBSE बोर्ड है हमारी, बोर्ड ने बताया था कि अगर बच्चा इस मेथड को फॉलो किया है तो भी वो मेथड सही है, तो भी ये मेथड क्या है, सही है। उसी बेस पर मैं आपको बताऊं, उसी बेसिस पर बच्चे इस बार क्वेश्चन किए हैं, जैसे अमीषा ये सब क्वेश्चन किए हैं, अमीषा का एक क्वेश्चन छूट गया था, लास्ट का एक 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, इसकी वजह से उसका 5 मार्क्स कम हो गया, अदरवाइज वो ये सारे मेथड्स हर चैप्टर में अप्लीकेबल की थी और उसके मार्क्स 95 आए थे अकाउंटेंसी में। मतलब ये कि 60 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में था, तो 95 में 20 हटा देंगे तो 75, मतलब 85 के पेपर में 80 नंबर के पेपर में 75 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स कट, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन जो छोड़ी थी उसमें से 1 मार्क्स उसको मिल गया था कहीं से, कुछ फार्मूला लिख दी होगी और बाकी मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। तो आपको ये प्रूफ हो गया, और सारे बच्चों का आप देख लीजिए जितने नंबर का अकाउंटेंसी में अटेम्प्ट किए थे पूरा में पूरा नंबर मिला है। टीचर्स लोग इसके बारे में व्यूज देते हैं, बताते हैं, लेकिन आप बुक का मेथड अब देखिए क्यों यहाँ आसान होगा, क्योंकि जब यहाँ पे दो पार्टनर रिटायर होगा, ए और सी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ए बी सी तीन रिटायर हो जाए पार्टनर हो, तब तो आपको रेशियो निकालना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, तब तो आप रेशियो में गलतियां कर देंगे और आपका टाइम ही बच पाएगा। इसको बांटना आसान है लेकिन रेशियो निकालना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे सक्रिफाइसिंग और गेनिंग एक ही रेशियो में आने लगता है, एक ही क्वेश्चन में, तो वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हमको कुछ समझना नहीं क्या सक्रिफाइसिंग क्या गेनिंग, हमको समझना एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, बस कुछ नहीं समझना है। तो आप कुछ समझ के इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, देखेंगे फटाफट टेबल एडजस्टमेंट ए बी सी डी, थोड़ा इधर से करता हूँ, ए बी सी डी एंड टोटल, ये हो गया मेरे पास, ये क्रेडिट कर देंगे किस रेशियो में, आप बताएंगे ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है ना, 2:4, 4:6, 90,000 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 15,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 30,000, 15,000, 90,000, उसके बाद डेबिट, डेबिट करना होगा हमको 2:2:1:1, न्यू रेशियो कितना 5:3, रिटायर करते हैं ए और सी, हट लिख दीजिए उसके नीचे 5:3 में क्या कर दीजिए 90,000 को बांट दीजिए डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर 11,250 इंटू 5 56,250, बी और थ्री में आ जाएगा कितना 33,750, द आंसर टोटल इज 90,000। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 30,000, आप ध्यान देंगे बताएगा कौन सा बड़ा क्रेडिट बढ़ाना, तो यहाँ क्रेडिट लिख देंगे और 56,250 - 30,000 देन से 26,250, लेकिन बड़ा कौन सा डेबिट, तो हमने यहाँ डेबिट लिख दिया, यहाँ पे 15,000 लिख दिया, बड़ा कौन सा है क्रेडिट टू क्रेडिट, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 33,750 माइनस 15,000 तो आंसर आएगा 18,750, लेकिन बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा डेबिट है तो डेबिट लिख देंगे, यहाँ नहीं हो जाएगा,
आप देखेंगे इसकी जनरलिटी भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो जनरल क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जनरल हो जाएगा इसका 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 26,250 और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,750 एंड 2 एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 एंड 2 सीस कैपिटल अकाउंट 15,000 इन टोटल विल बी 45,000 एंड टोटल विल बी 45,000। ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा बात बताता हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गए लेकिन आप लोग में बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं आप रेशियो के गुडविल के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे अपने कॉपी में जो भी, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके बुक में मैच कर जाए, चाहे ओल्ड बुक हो चाहे न्यू बुक हो चाहे कई साल पुरानी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि आप क्वेश्चन अपने बुक में मिला लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा हमसे या छूट जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को डाउट को हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको वीडियो की जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आपको मैं इसको सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में, उससे जिससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा मैं इसको कर दूंगा। लेकिन आप इसको करिएगा पूरे क्वेश्चंस को, अगर आपके और हमारे बुक के डिफरेंस की वजह से कोई क्वेश्चन छूटेगा तो आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन पूछना, मेरा काम है इसको समझाना। मैंने एक ट्रिक बताया, इस ट्रिक पे आपको कोई भी क्वेश्चन सब फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे यहाँ पर।